कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया रेत का ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए वन मजदूर तथा निजी व्यक्ति के जरिए रिश्वत मांगकर स्वीकार करने वाले दो वन रक्षकों समेत चार पर भंडारा के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार शाम को कार्रवाई की। आरोपियों को 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व आरोपियों ने रेत का ट्रैक्टर पकड़ कर शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए लिए थे। आरोपियों में वन परिक्षेत्र कार्यालय लेंडेझरी के वन रक्षक गणेश महाजन काकरवाल उम्र 27 वर्ष, मनीष उत्तम मिश्रा उम्र 32 वर्ष, वन मजदूर केसरी रामासाव उची बघेल उम्र 52 वर्ष तथा निजी व्यक्ति एकता नगर वनजरा पीली नदी नागपुर निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद दाऊद अंसारी उम्र 19 वर्ष का समावेश है। शिकायतकर्ता ट्रैक्टर व्यवसायी होकर 13 अगस्त को वन रक्षक गणेश काकरवाल व मनीष मिश्राम ने ट्रैक्टर पर कार्रवाई की थी। ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए कुल 25,000 की रिश्वत मांगी, जिसमें से 5,000 की रिश्वत कार्रवाई के दौरान ली। गुरुवार 25 अगस्त को फिर 15,000 स्वीकार किए, जिसमें से 10,000 वापस कर दिए। प्रकरण में भंडारा के एंटी करप्शन के दल ने 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर आंधलगांव पुलिस थाने में मामला करने की प्रक्रिया शुरू की। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक राजेश ओला, अपर पुलिस अधीक्षक मधुकर गीते, उप अधीक्षक महेश चाटे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अमित डहारे, कमलेश सोंटक के सहायक फौजदार संजय कुलजेकर, पुलिस नायक अतुल मेश्राम, अंकुश गढ़वे, मिथुन चंदेवार, चेतन पोटे, विवेक रणदीवे, विष्णु वर्टी, राजकुमार लिंडे ने की।